आज आपका टॉपिक है विनियोग के प्रारूप। इसमें क्या होता है, पहले मैंने आपको इन्वेस्टमेंट क्या होता है इसके बारे में बताया था, डेफिनेशन क्या होती है इसके बारे में बताया। वैसे तो आपको पता होगा कि विनियोग क्या होता है। विनियोग वो होता है जो जो व्यक्ति द्वारा अन्य उपभोग वस्तुओं को खरीदता है जो वो यूज़ करने के लिए करता है। जब व्यक्ति वो अपना उपभोग स्थापित करता है और उसे धन की बचत करता है, और जब यह धन बैंक में जमा किया जाता है या किसी प्रतिष्ठान कंपनी में जमा किया जाता है तो तब विनियोग किया जाता है। और इसमें क्या बताया गया था तुम्हें, एक ये भी बात बताई गई थी कि जैसे कि उत्पादक वस्तु का क्रय से लाभ होने पर भी हो सकता है, या आप कोई संपत्ति ले रहे हो तो एक बंदे का क्या होता है, विनियोग खत्म हो जाता है बट दूसरे का स्टार्ट होता है। तो ये क्या होता है, ये विनियोग होते हैं जो डिफरेंट प्रकार के होते हैं। उसमें ही ये थ्री टाइप्स के विनियोग के प्रारूप होते हैं जिसके अकॉर्डिंग विनियोग किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है, फर्स्ट आता है आपका अल्पकालीन विनियोग। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति अपनी बचत को थोड़े समय के लिए उत्पादक कार्यों में लगाकर धन प्राप्त करना चाहता है, साथ ही वह ये भी चाहता है कि जब कभी भी वह चाहे या आवश्यकता पड़े तो वह उस धनराशि को तुरंत ही वापस कर सकता है, तब वह उसके लिए अल्पकालीन विनियोग करता है। बैंक, डाकघर, डाकखाना, बचत बैंक अल्पकालीन विनियोग के उत्तम साधन हैं। परिवार इन साधनों में अपनी छोटी छोटी बचतों का विनियोग कर सकता है, परंतु इससे ब्याज बहुत अधिक कम प्राप्त होता है। इस प्रकार के विनियोग हेतु धन की सुरक्षा एवं उपलब्धता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपका जो जब व्यक्ति क्या करता है, जब थोड़ी थोड़ी सेविंग करना स्टार्ट करता है तो उस समय के कुछ टाइम के लिए जो उस उत्पादक कार्य को लगाकर धन प्राप्त करना चाहते हो, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए आप क्या करते हो, प्राप्त करने के लिए धन प्राप्त करना चाहते हो, तो साथ ही तुम क्या चाहते हो कि जब भी वो चाहे आवश्यकता पड़े उस धनराशि को आप तुरंत वापस प्राप्त कर सकते हो। आप जो कुछ चीज़ें खरीद रहे हो या मार्केट से कोई भी, जैसे ज़मीन ले रहे हो या आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हो जिसके जो आप विनियोग कर रहे हो, जब आप उपभोग कर रहे हो किसी वस्तु पर और जो उसका आप मनी लगा रहे हो वो आपको वापस भी मिल सके, ऐसे तरीके से आप विनियोग करते हो। और उसमें क्या देखते हो, आप के जब इसमें जो अल्पकालीन विनियोग करते हो तो आप बैंक के, डाकखाने के द्वारा, बचत बैंक, अल्पकालीन जो विनियोग होते हैं वो बहुत उत्तम होते हैं, और परिवार इनकी जो छोटी छोटी बचत होती है वो विनियोग के धन की सुरक्षा की उपलब्धता पर ध्यान देते हैं। जब उसका क्या होता है, जब आप ये बैंक में धनराशि सबमिट करते हो तो या आप कोई नगद, आप कोई भी वस्तु सेविंग के लिए रखते हो तो वो क्या होता है, एक टाइम पे आपको ब्याज लाभ देने लगती है। जो उसमें क्या करते हैं, आप जब व्यक्ति के पास है ना, जिसके पास बड़ी मात्रा में विनियोग किया गया धन हो किंतु धन के जो होता है उनके जो नगद पूंजी के रूप में रखना चाहते हैं, वो इस प्रकार के विनियोग को कर सकते हैं। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल बचत बैंक, व्यवसायिक बैंक, जो आपके इतने बैंक होते हैं इसमें जो सोर्सेस होते हैं वो व्यक्ति या अपने परिवार की छोटी छोटी सेविंग जो होती है उनका विनियोग करता है, और उसके पास जो बड़ी मात्रा में विनियोग हो जाता है जिससे क्या आने वाले फ्यूचर्स टाइम में या कोई भी विपत्तियां आती है उसके सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो आने वाले टाइम में इसका यूजफुल किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका दीर्घकालीन विनियोग। दीर्घकालीन विनियोग लंबे समय के लिए किया जाता है। इस अल्पकालीन विनियोग की तुलना में यह विनियोग अधिक लाभदायक है क्योंकि इसमें ब्याज दर अधिक मिलता है, परंतु इसका लाभ विनियोग निश्चित अवधि पूरा होने पर ही मिलता है। धन की तरलता कम होती है, साथ ही इसमें विनियोग के लिए साधनों का चुनाव करना पड़ता है, करना थोड़ा कठिन होता है, मुश्किल जोखिम भरा काम होता है। इसमें जब जोखिम भरा काम क्यों होता है, क्योंकि आप दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज़ कर रहे हो,
लंबे समय के लिए जो आपको फ्यूचर्स में आता है, बट आपका जो अल्पकालीन विनियोग होता है उसकी तुलना में यह विनियोग जो आपका होता है वो बहुत ही लाभदायक होता है। वो इसलिए लाभदायक होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, ये आने वाले फ्यूचर्स टाइम में आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रहता है, और जो आपको जो आपकी ब्याज दर होती है वो भी आपको अधिक मिलती है। इसका जो लाभ निश्चित अवधि पर ही आपको पूरा मिलता है, जो इसका लाभ होता है उसको आप क्या करोगे, निश्चित अवधि पर ही प्राप्त होता है, क्योंकि जो धन की तरलता होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, ये जबकि आप और तरीके से भी आप इसको बता सकते हो, या आप ये भी बता सकते हो कि जो अल्पकालीन विनियोग की अपेक्षा दीर्घकालीन आपका एक होता है, बट ये जटिल भी होता है। इसमें ध्यान रखने की बात क्या होती है, विनियोग और सट्टा में अंतर होता है। जो विनियोग की स्थिति में जो विनियोगकर्ता अपनी पूंजी को सुरक्षा रखने की रुचि रखता है, बट जो अपनी पूंजी को उचित लाभ पहुंचाता है, जो आपकी पूंजी होगी उसको उचित लाभ पहुंचाओगे, जबकि जो आपका सट्टा या सट्टा वाली आपकी पूंजी होती है वो अधिक लाभ प्राप्त तो तेज़ी से वृद्धि करती है, बट उसमें क्या होता है, उसमें बहुत खतरा होता है। इसलिए आप क्या करते हो, जो सट्टे वाली पूंजी होती है उसकी हानि की संभावना क्या रहती है, 100% रहती है। और फैमिली की जो फ्यूचर्स की जो नीड्स होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, और विनियोग का जो साधन है वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है, जो जिसमें उचित और निश्चित आय आपकी होती है। देन आता है आपका जीवन भर के लिए विनियोग। जीवन भर के लिए विनियोग आप कैसे बता सकते हो, आप इसमें व्यक्ति जीवन भर के लिए अपनी बचत का विनियोग करता है, उसका इसका लाभ परिवार को मिलता है, परिवार की आर्थिक सुरक्षा मिलती है, भले ही कमाने वाला व्यक्ति जीवित हो या न हो। फॉर एग्जाम्पल, जीवन बीमा में धन को विनियोजित करके व्यक्ति भविष्य के प्रति निश्चित रहता है। यदि बीमाकर्ता व्यक्ति की दुर्घटना, बीमारी अथवा अन्य किन्हीं कारणों से मृत्यु हो जाती है तो परिवार को पैसा मिल जाता है। जो आपका जीवन भर का विनियोग होता है इसमें क्या होता है, ये जो इसमें लाइफ जो जीवन भर की सेविंग होती है उसका आप विनियोग करते हो, और इसका जो प्रॉफिट होता है वो फैमिली को आर्थिक सुरक्षा में मिलता है, भले ही चाहे कमाने वाला व्यक्ति हो वो जीवित हो या ना हो, है ना। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपका जीवन बीमा होता है, क्या करता है, जो वो जब आपकी जो फैमिली होती है वो विपत्तियों के में जो रक्षा सुरक्षा होती है, रक्षा जीवन की निश्चितता प्रदान करने हेतु क्या होती है, जीवन बीमे की एक आवश्यकता होती है। और जीवन बीमा जो होता है वो क्या होता है, वो आपको लाइफ सिक्योर करने का एक साधन होता है, जिसमें आपको कल भी कुछ हो होता है या नहीं होता है, बट आपकी लाइफ उसमें सिक्योर हो जाती है। और इस सिक्योर में होने का जो प्रॉफिट होता है वो होता है, आने वाले टाइम में जब कमाने वाला इंसान होता है उसकी दुर्घटना हो जाती है तो वो तब उसका यूज़ कर सकता है, या आप बोल सकते हो फॉर एग्जांपल जैसे आपका कल्याण प्रेम उत्तरदायित्व होते हैं, या आप जो पर क्या होता है, इसमें जो आपका जीवन लाइफ इंश्योरेंस है वो क्या होता है, वो जो आपके जीवन होता है उसका दिशा निर्देशन करती है। और इसमें जो बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो सदस्य की सुरक्षा को प्रदान करने के लिए जीवन भर जो जीवन भर के लिए विनियोग करते हैं, जिसको आप जीवन बीमा भी बोल सकते हो। इसमें क्या होते हैं, उन परिवारों को कमाने वाले जो सदस्य होते हैं उनकी मृत्यु होने पर या वृद्धावस्था जब आती है उसमें क्या होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है, या आप बोल सकते हो जो आपका राष्ट्रीय स्तर होता है उसमें जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई बचत होती है उसको विनियोग में लाया जाता है, जिससे क्या होता है, विकास का चक्र चलता रहता है। वो क्या होता है, आपकी लाइफ सिक्योर होती रहती है। जैसे आपने देखा होगा जो देहाती इलाके हैं उनमें अधिक पाया जाता है, तो आपका जो विनियोग होता है वो किस पर डिपेंड करता है, आपकी सेविंग पर डिपेंड करता है, जिसमें ये देखा जाता है आपका कि जो व्यक्ति होता है उसकी जो टोटल इनकम होती है उसमें से कुछ ना कुछ वो धनराशि क्या करता है, उसकी सेविंग करता है, बट एक टाइम तक वो अपने पास सेविंग करता है, जब उस पर वो सेविंग बहुत इकट्ठा हो जाती है तो वो क्या करता है,
वो बैंक में या डाकघर में या अन्य कोई भी सोर्सेज होती है उसमें सबमिट करा देता है। सबमिट कराने से उसके क्या होता है, एक तो उसको आने वाली परिस्थितियों में उसको वो यूज़ भी कर सकता है, दूसरी बात ये होती है उसको ब्याज भी मिलता है जिसके अकॉर्डिंग उसकी लाइफ सिक्योर हो जाती है।